हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि आज की फीलिंग्स क्या है। कैंडल जला रही हूँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, 7 बार, नाराजगी है, खामोशी है, दूरी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और खास करके बहुत ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ रही है तो सही, लेकिन वो बढ़ भी रही है। लेकिन यू नो इमोशनल कनेक्ट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना एक सोल कनेक्शन जो दिख रहा है ना, कि कितना भी आप झगड़ो पता नहीं क्यों जुड़ ही जाते हो कुछ ना कुछ रीज़न से। जैसे ही इंसान सामने आ जाए, जैसे ही इंसान का मैसेज आए या कुछ बात हो जाए, बस बात हो ही जाती है। वो अलग बात है कि बात मिसअंडरस्टैंडिंग पे चली जाती है या फिर बात ही नहीं हो पा रही है, बट इस इंसान का ख्याल पता नहीं क्यों आपको इतना सुकून क्यों देता है। काफ़ी अरसे से इंतज़ार है वो उनके मिलने का, उनके एक्चुअली सही से मिलने का या फिर प्यार से मिलने का, जैसे वाली चीज़ मुझे दिख रही है। मुझे ये काफ़ी हद तक दिख रहा है ना कि आपको सपने में स्नेक्स दिख रहे हो, पॉसिबल है, या फिर इनके ऊपर राहु का प्रभाव मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। ये इंसान है ना, आज की तारीख में कितना भी आपसे रूडली बिहेव करता हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो या कुछ भी हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा यहाँ पे जो फ्लेम दिखा रही है और यहाँ पे जो सर्कल बना है और जिस तरह से इमेज बनी है, वो राहु की इमेज जैसा मुझे दिख रहा है। एंड ये पर्सन लिटरली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। आपके बीच में ना एक सर्कल है जो एक कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन वो पैटर्न में रिपीट होता है, लेकिन वो एक जो एक ना कार्मिक पैटर्न जो एक ख़त्म होना वो नहीं है, वो जो उसको लूप में फंसना अभी तक शुरू ही है, सब मुझे दिख रहा है। आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है। ये इंसान है ना लिटरली अपनी इमोशंस को अपनी ईगो के नीचे दबा रहा है, ईगो या जिद के नीचे बहुत फील करता है, बहुत फील करता है ये इंसान आपके लिए। जिनके बारे में आप सोच रहे ना, बहुत आपको याद करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ हो, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा ना, इनको आपका नाम बहुत दिखता है, इनको आपका नाम, क्लियर नाम। मान लीजिए कि आपका नाम सपना है तो वो क्लियरली दिखता है। आई डोंट नो सपना नाम मुझे हुआ, बट वो नाम एकदम क्लियरली दिखता है, सुनाई देता है, कहीं ना कहीं किसी समाव एक जिक्र ज़्यादा होता है, या फिर कोई आपके बारे में उनसे बार बार जिक्र करता है इनडायरेक्टली। सही, लिटरली इनको बोलना पड़ता है कि बात मत करो इस बारे में, वाली चीज़ हो सकती है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू जो क्रिएट करने वाला पर्सन कोई और है, थर्ड पार्टी इशू जो है ना, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला पर्सन थर्ड पार्टी है कोई, मतलब जानबूझ के आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। बट
जैसे आपने कही हुई कुछ बात, मान लीजिए कि आपने मैरिज कमिटमेंट की बात की है, तो सामने वाला, मुझे खास करके किसी दोस्त की एनर्जी नज़र आ रही है, कोई भी हो सकता है, बट मुझे दोस्त की एनर्जी वो नज़र आ रही है कि जहाँ पे ना कोई इंसान है जो उनको ना बहुत ज़्यादा यू नो एडवाइस के नाम पे ना बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस करता है, या फिर एक गलत सलाह देता है, या गलत राय क्रिएट करता है। बट हैरानी की बात है कि उसे उस इंसान पे भरोसा है और आप पे नहीं। भरोसा आप पे है, विश्वास तो आपके है, आपके प्यार पे भी है, बट समाओ वो जो ऊपरी तरफ ही चीज़ों को देख पा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगेन राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है बस एक भ्रम में, इल्यूजन में जो दिखाई देता है, या वो सारी चीज़ें ही एकदम लखनऊ एक भ्रम की दुनिया में ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, जो लोग दिखाते हैं, जो वो देखना चाहते हैं, ऐसे कुछ एनर्जी में ही हमेशा रहना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी ज़्यादा है। बट ये इंसान आपसे ना दिल से इतना कनेक्टेड है, लिटरली दिल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जो थर्ड पर्सन है ना वो पॉसिबली कुछ मेल हो सकता है ज़्यादातर, मुझे मेल इमेज बनती हुई नज़र आ रही है। इनको लिटरली ना मतलब आपसे कनेक्ट होना है, लेकिन इनके हिसाब से, लाइक आप इनके हिसाब से बात करो, आप इनके हिसाब से जो भी इनके हिसाब से हर चीज़, लाइक आप सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, आप आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, इनके हिसाब से, बिकॉज जो एनर्जी आपसे मिलती है वो एनर्जी उनको कहीं से नहीं मिलती। ये जो फीलिंग्स है, इमोशन कनेक्ट है, वो बातें हैं, वो कहीं और नहीं मिलती, तो वो भी चाहिए लेकिन अपने हिसाब से। इनका ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पॉसिबल इनका बर्थ नंबर 4, 13, 22 या 31 हो सकता है, इवन लाइफ पाथ नंबर भी 4 हो सकता है, या फिलहाल राहु की दशा शुरू हो। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है इंसान के, पता नहीं कि अभी आप भी थोड़ा अपने जोन में हो, आप अपने हिसाब से, लाइक आपने इग्नोर करना शुरू किया है, आपने अटेंशन देना बंद किया है, तो और भी ज़्यादा ईगो हर्ट हो रहा है, और भी ज़्यादा ईगो हर्ट हो रहा है। ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, स्टेटस डीपीज डाल के आपको ट्रिगर करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर्ट तो आपको भी होता है, कहीं ना कहीं हर्ट तो आपको भी होता है। आपको हर्ट इस बात का है कि इतना दिल लगाने के बाद इतना प्यार होने के बावजूद भी ये पर्सन इस प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया, इस प्यार के लिए कभी स्टैंड ही नहीं ले पाया, ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। काफ़ी ज़्यादा एक सोल कनेक्शन की वाइब्स आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वो इमेज बनी है वो काफ़ी उसी तरफ इशारा करी है। ट्विनिंग ऑफ एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ लोग के लिए। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है ना आज भी रात उनको भारी पड़ने वाली है, लेकिन ना एक बेचैनी की होगी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, यू नो रात को अचानक से अनब्लॉक करके चेक करना वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती है, पॉसिबल ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से फ्लेम कंटिन्यूसली एकदम जो ट्रिगर दे रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक इमोशंस को दर्शाती है, एक ऑब्सेशन दर्शा रही है, लाइक पजेसिवनेस, मैंने कहा ना पजेसिवनेस, ऑब्सेशन, ये वाली फीलिंग्स इनके लिए, इनकी बहुत ज़्यादा है, आपके लिए बढ़ रही है। मुझे ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में कोई फोर्थ
इनके लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री है या आपके लाइफ में नई पर्सन की एंट्री है? यस, मुझे ऐसा लगा कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री दिख रही है, नए पर्सन की एंट्री। अभी आप जिसने आगे बढ़ना चाहते हो वाली एनर्जी ज़्यादा है। आपने बहुत इंतज़ार किया, आप भी चाहते थे ये रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी नए पर्सन की एंट्री होने वाली है आपके लाइफ में, या इनकी नए से एंट्री, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ट्रांसफॉर्मेशन की। मुझे यहाँ पे लेटर सी, बटरफ्लाइज, हार्ट्स एंड स्पेशली मून्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। लेटर आई है प्रोमिनेंट और मुझे नंबर 4 ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। सच कहूँ तो अगले 2 दिन में इनकी तरफ से कांटेक्ट कुछ लोग के केसेस में ही हो सकता है, क्योंकि ऑब्सेशन उतना है, बट कुछ लोग का ईगो इतना ज़्यादा है ना, ईगो कि मतलब लिटरली आपको फील होगा कि ये इंसान आपके बारे में सोचता है, लेकिन इनकी तरफ से मूवमेंट नहीं होगा। इतनी एनर्जी स्ट्रांग है, इतना ईगो इन इंसान का ज़्यादा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि किसी का इन्फ्लुएंस या किसी की एनर्जी, जैसे ना नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर, कंट्रोल इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कुछ मतलब आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है या काफ़ी दूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर भी इमोशंस उतने ही स्ट्रांग हैं। भले आपको नजर सी मैंने आपको क्या कहा, इमोशंस उतने ही स्ट्रांग है भले आपकी बातचीत नहीं हो रही। सो जब भी मैं बोल रही हूँ ना कि इमोशंस उतने स्ट्रांग है, तो वो फ्लेम हमेशा जवाब दे रही है, फ्लेम हमेशा जवाब दे रही है कि यस, ये बात सही है। ये इंसान भले दिखाई ना दे, बताए ना बताए, बट इमोशंस उतने स्ट्रांग है, उतना ही वो फील। और ख़ास करके वो ना एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी फील करता है, एक वो जो केयरिंग एटीट्यूड है ना आपका, केयरिंग एटीट्यूड वो बहुत ज़्यादा मिस करता है, क्योंकि उसका तोड़ नहीं है इस दुनिया में, उसका तोड़ नहीं है उस प्यार का, उस केयर का। नंबर 2 कुड बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और मुझे यहाँ पे डव के साइंस मिले हैं, लेकिन डव एक ही है, तो मतलब यूनियन में काफ़ी वक्त है। As you can see, oh no, से हाफ पूरा ऐसे सर्कल बन चुका था, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ज़रूर है, ट्रांसफॉर्मेशन की। और हो सकता है कि आपको ना सपने में स्नेक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, स्नेक्स या ऐसे क्रिएचर टाइप से, लाइक कोई अजीब से सपने वाली चीज़ की, जैसे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है वो चीज़, स्पेशली कोई एनिमल्स दिखना, वो वाली चीज़ हो सकती है, वो चीज़ दिख रही है मुझे। लेट्स सी कि एक्शन क्या हो सकता है। स्ट्रेंथ, लवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, सो मैंने कहा ना आप ये इंसान इस एनर्जी में है,
बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक यू नो इमोशनल लव अट्रैक्शन डिज़ायर हर चीज़ का फीलिंग है, हर चीज़ का फीलिंग बहुत ज़्यादा एक अलग ही ऑब्सेशन है आपके लिए। और ये अभी ना स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा पता नहीं। हिम्मत तो इन्होंने ही दिखाई नहीं थी, दिखानी तो इनको ही पड़ेगी। और ये लाइक सिचुएशन से भाग रहे, लिटरली सिचुएशन से भाग रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगा कि हो सकता है कोई कुछ लीगल मैटर या पेपर वर्क हो या कहीं धोखे से ये गुजर सकते हैं रिसेंटली, या गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सरदर्द में है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशली बिजनेस में हो सकता है या फिर प्रोफेशन में, बट मुझे बिजनेस में ज़्यादा लग रहा है। और ये ना जस्ट वक्त के हाथों में छोड़ दिया है कि अगर वक्त होगा तो, मतलब ये एक्चुअली कुछ सोच ही नहीं रहे, ये बस सोच रहे हैं कि आपके बारे में आगे क्या होगा क्या नहीं वो पता नहीं, बट उनको जैसे डिज़ायर होती है, इच्छा तो है, कैसे होगा क्या होगा ये इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन की तरह काम हो रहा है, इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन की तरह। हम जैसे सोचे ना हम कि चलो यूनियन कब होगा क्या कब होगा अगर, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं सोच रहे यार, मिलने का मन कर रहा है बस मिल जाए, वो वक्त आ जाए, ये इतनी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं, दिल से सोचते हैं इंसान को, मतलब एकदम पूरा दिल से। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत बड़ी डिज़ायर इनको मिलने की। आपको फ़िलहाल अपने किसी क्या बोलते हैं झमेले में कुछ तो इशू में फंस सकते हैं रिसेंटली, बट दैट विल बी लाइक फिर कुछ लोग के लिए हो सकता है, बट अदरवाइज इनकी एनर्जी में आपके लिए ऑब्सेशन या अट्रैक्शन डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के चलते ना लिटरली जो आपका अटेंशन ना देना उनको ट्रिगर कर सकता है, आपकी तरफ लाइक मूवमेंट कर सकते हैं गुस्से में ही सही। ट्रस्ट द यूनिवर्स, होली लव। तो आपके नसीब में तो सच्चा प्यार है, वो तो आपको मिलके रहेगा। और प्लीज़ ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।